तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं रिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइव सिमुलेटर। तो गाइस, आज ये ट्रेडर लाइव सिमुलेटर का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट मुझे पता है बहुत दिन पहले आया था, उसके बाद से मैंने इस गेम को खेलना छोड़ दिया था, लेकिन आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए हैं कि मुझे इस गेम को फिर से खेलना है पड़ा। तो चलिए आज हम सेकेंड पार्ट खेलते हैं इसका। अभी ये हमारा घर है और इस घर को हम करने वाले हैं डेकोरेट। तो सबसे पहले घर के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो किचन है इस साइड पे और नीचे कुछ भी नहीं है। इस साइड पे हम जा नहीं सकते, इधर से ये ओपन नहीं हो सकता। तो हम चले जाते हैं ऊपर, और ऊपर की साइड जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, और इस साइड पे दो रूम है, इधर नहीं, इस साइड पे दो रूम है, इधर एक रूम है, और अगर इस साइड जाए तो इधर एक रूम है। तो इस घर को हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि घर तो है हमारे पास लेकिन फर्नीचर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा हंगर बढ़ चुका है, यूरिन बढ़ चुका है, तो इसके लिए हमें लेना पड़े कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे हम दूसरे जगह पे खर्चा करने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें घर के लिए एक बेड लेना है। यहाँ पे हम लगाएंगे बेड, और इस साइड पे हम, इस साइड पे नहीं, इधर ही बड़ा है तो शायद इस साइड बेड लगा लेंगे और इसको खाली रखने देंगे, ठीक है। और ये जो छोटा बाथरूम जैसा है, यहाँ पे हम हमारा यूरिन का जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और बाथटब अभी ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि बाथटब के बिना भी गेम चल सकता है, तो जब ज़्यादा पैसे आएंगे तब बाथटब खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी ये दो चीज़ हम खरीद के लाते हैं, इसके लिए हमें फर्नीचर शॉप पे जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे गेट हम कर देते हैं बंद, और हमारा जो गाड़ी है ये रहा, ये बहुत दूर खड़ी है क्योंकि मैंने ही खड़ा किया हुआ था। तो चलिए गाड़ी चला लेते हैं, और पहले हम शॉप में चलते हैं, हमारा जो शॉप है वहाँ पे चलते हैं, और शॉप को हम कर देते हैं ओपन, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिजनेस जैसे स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे फर्नीचर शॉप में, और वहाँ पे जाके हम ये जो घर के डेकोरेट का जीनी सामान है वो हम खरीदेंगे, ठीक है। तो गाइज, हम आ चुके हैं हमारे शॉप के पास, और इधर पे हम पार्किंग पहले कर लेते हैं अच्छे से। इधर इतना अच्छा पार्किंग दिया हुआ है हमारे लिए। तो चलिए अभी हम करते हैं हमारा जो शॉप है उसको ओपन करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे नाम से शॉप है, और इसका लोगो डिज़ाइन थोड़ा मैंने चेंज किया है, तो अभी कैसा लग रहा है देखने में आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं, और पहले हम शटर ओपन करते हैं। तो हमारा दुकान खुल चुका है, कैश तो अभी कलेक्ट करने जैसा कुछ है नहीं, नो कैश टू कलेक्ट, और दुकान देख सकते हो बिल्कुल खाली है, एक भी चीज़ हमने नहीं लगाए थे, जितने भी चीज़ हमने पहले लगाए थे वो सारे के सारे सेल हो चुके हैं, और अभी दुकान खाली है, और हमारे पास अभी ज़्यादा पैसे है नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ खरीदने भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर के डेकोरेशन के लिए जो जो चाहिए वो खरीदना पहले ज़रूरी है। तो दुकान को हम खुला रखने देते हैं, यहाँ पे सेल होने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सेल का मतलब, ये जो एक भंडिंग मशीन है, यहाँ पे एक कॉफ़ी है, और ये है जूस, तो यहाँ से ही हम जितना भी हो सकते हैं अभी कमाई कर लेते हैं। अभी हम गाड़ी के पास जाएंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों का अगर मैप खोल के दिखा दूँ, तो ये रहा हमारा फर्नीचर शॉप, फर्नीचर शॉप में मिलता है ना, हाँ ये रहा फर्नीचर शॉप। तो यहाँ पे चलते हैं, और जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, बेड वगैरह, हम खरीद लेते हैं। तो चलिए देख सकते हो एक जूस सेल भी हो चुका है $12 का, तो काफ़ी बढ़िया अभी सेल हो रहा है, तो चलिए पहले वो खरीदते हैं। तो गाइज, हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और हमारा दुकान खाली है, ज़्यादा प्रोडक्ट है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हम अभी कुछ कर नहीं सकते। देख सकते हो यहाँ पे भी एक कंप्लेंट आ गया, तो कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो ज़रूरी है पहले वो करते हैं, बाद में जब पैसे आएंगे तब। ओहो, यहाँ पे ऐसे ठुकना नहीं चाहिए था, चलो कोई ना, बैग करते हैं, यहाँ पे बैग हो जा, हाँ चलो। तो जब हमारे पास पैसे आएंगे उस टाइम पे हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, हमारे जितने भी सामान हैं उनको लगाएंगे। यहाँ पे एक कॉफ़ी भी सेल हो गया है, तो सेल तो हो रहा है, देखो सेल हो रहा है। तो ये हम आ चुके हैं फर्नीचर शॉप के अंदर, और यहाँ पे बेड किधर है, इधर है। तो सबसे पहले हम ये वाला बेड ले लेते हैं, जो कि $350 का मिल रहा है, और सारे के सारे एक ही रेट का है, तो चलिए इसको ही खरीदते हैं। $350 का ये हमने खरीद लिया है, और ये देखो बाथटब जो है ना $250 का, ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गेम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बिना भी गेम चल सकता है, लेकिन बाद में जब पैसे होंगे तब खरीदेंगे, इसको ज़रूरत है। टॉयलेट हमें खरीदना पड़ेगा, $155 का है, तो चलिए ये खरीद लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ अभी खरीद लिए, बाकी ये जो डेकोरेशन के अपने दुकान के जितने भी चीज़ें रखने के लिए जो जितने भी सेल्फ्स हैं, इनको हम बाद में खरीदेंगे जब पैसे होंगे। अभी तो पैसे है ही नहीं, गरीब हैं हम, क्या कर सकते हैं भाई लोग, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी ये बात करता है क्या। हेलो हेलो भाई, हेलो भाई, ये तो मुँह ही नहीं लगा रहा है, चलो बेइज्जती होगी हमारी।
तो अभी हम चले जाएंगे हमारे घर में सीधा और वहाँ पे जाके ये बेड टॉयलेट इनको लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम हमारे घर के पास ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। तो ये रहा हमारा घर, यहाँ पे हम गाड़ी रोकते हैं। यहाँ पे वैसे पार्किंग का अच्छा सा कोई जगह तो है नहीं। चलो इस साइड पे क्या हम गाड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि रोड के बीचों बीच हम रखना पसंद नहीं करते। नहीं 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 यार, इधर भी गाड़ी नहीं जाएगा। चलो कोई ना, अब ऐसा ही डिज़ाइन किया है तो यही सही। गाड़ी को इधर लगाते हैं रोड के बीचों बीच और उतर के हम, ये नहीं, ये है हमारा घर। तो चलो घर के अंदर जाते हैं और जितने भी चीज़ें, हम पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता ना आ जाए। चलो इधर से हम अंदर जाते हैं ऊपर और यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा जो टॉयलेट है, ठीक है। टॉयलेट इतना भी अंदर नहीं, इस साइड पे लगाते हैं। चलो तो ये हमने इन्वेंटरी खोला और यहाँ पे ये टॉयलेट, इसको करते हैं प्लेस। तो ये ऐसे लगता है ना, हाँ ऐसे, तो इसको घुमाते हैं और थोड़ा, हाँ तो यहाँ पे ये हो चुका है। अभी इसको लगाने के बाद इस्तेमाल भी कर लेते हैं। चलो अभी देख सकते हो यूरिन 38 है, इस्तेमाल करने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये ब्लैक हो गया है क्योंकि नहीं दिखाने वाले हैं यूरिन कैसे करते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हो 0 हो गया है। अभी बेड मेरे ख्याल से यही बड़ा घर लग रहा है मेरे को, बड़ा रूम। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपना बेड, ठीक है। तो प्लेस करते हैं हमारा जो बेड है, और इस साइड से लगाऊं या इधर से, इस साइड से सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमने लगा लिया है बेड, अभी बेड लगा लिया है और बाहर का मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। तो क्या ख्याल है दोस्तों, थोड़ा सो जाए यहाँ से। तो रात रात ऐसा लग रहा है कि रात हो चुका है बाहर, बट रात नहीं हुआ है। ये शीशे काले कलर का है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम सो लेते हैं, ठीक है। तो सोया हुआ भी नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी उठ जा, हाँ तो सोया भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस हंगर है, वो हम कुछ खा लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पैसे, और पैसे आएंगे हमारे शॉप से। तो अभी जाते हैं शॉप में और देखते हैं कितना ज़्यादा पैसे हमने बनाए हैं। शॉप ओपन किए तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें सेल जरूर हुई है। जूस काफ़ी सारे सेल हुए हैं, तो देखते हैं कितना पैसा हुआ है। और जो भी पैसा होगा, पहले तो हम अपनी जो हंगर है वो मिटाएंगे, उसके बाद हम दुकान के लिए सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑलमोस्ट दुकान पे आ चुके हैं और सामने एक लंबोर्गिनी है, नहीं पता गाइस कौन सा कार है। अगर आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा कार है, आप लोग हमें कमेंट में बताना। बाकी यहाँ पे वर्कर सैलरी $50 कट चुका है, जो कि माइनस हो चुके हैं हमारे बैंक में। तो अभी हम घाटे में हैं क्योंकि हमारे पास है $93 और $100 हमें देना है वर्कर को ही। तो कोई बात नहीं, खरीद पैसे अभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे दुकान के अंदर जाएंगे, इस साइड से भी जा सकते थे लेकिन हम थोड़ा घूम के जा रहे हैं। देखते हैं कि जब तक दुकान ओपन किए हुए हैं कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, आप लोग गेस करो। मेरे ख्याल से $120-130। तो चलिए अभी इसको हम करते हैं कलेक्ट। और ये क्या न्यूज़पेपर स्टैंड की वार है, अरे यार हट जा। अभी देखते हैं कितना पैसा हुआ, $161 का भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। और $100 जो माइनस हुआ है वर्कर सैलरी, वो हम बाद में पे करेंगे, अभी वर्कर को ऐसे ही काम करने देते हैं। तो गाइस आज ये वीडियो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा करने नहीं वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो पैसे हैं वर्कर सैलरी, वो इस बैंक के अंदर जाऊंगा और वहाँ पे जाके, न्यूज़पेपर स्टैंड से एक न्यूज़पेपर सेल हो चुका है, तो यहाँ पे जाके हम वो सैलरी उनको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जितने भी पैसे हमारे बचेंगे, उन पैसे से हम दुकान के लिए सामान खरीदेंगे और उनको बेचेंगे, और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नया रहो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से कल कोई और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए टेटर लाइफ सिमुलेटर। We'll be right back.